आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। उत्तर कश्मीर के बांदीपुरा जिले में आतंकवादी और सुरक्षा बलों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ में सेना के 3 जवान शहीद। वहीं सेना ने मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा का एक आतंकी किया ढेर। AIADMK की नेता शशिकला के CM बनने का सपना हुआ खत्म। सुप्रीम कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में शशिकला को दोषी करार देते हुए 4 साल की सजा सुनाई। वहीं अब शशिकला को जेल भी जाना होगा। डेडिकेटेड फ्रेंट कॉरिडोर यानी ऐसी रेल लाइन जिस पर सिर्फ और सिर्फ माल गाड़ियां ही चलेंगी। बता दें पिछले 1 साल में डेडिकेटेड फ्रेंट कॉरिडोर का काम 5 गुना तेजी से आगे बढ़ा है। खुर्जा से कानपुर और रेवाड़ी से पालनपुर के बीच DFC के काम में खासी तेजी आई है। छत्तीसगढ़ के कांकेर में जिला मुख्यालय से 160 किलोमीटर दूर इरपानार इलाके में एक बार फिर मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। बता दें स्वास्थ्य सेवाओं की खस्ता हालत के चलते एक बेटे को अपने पिता के शव का पोस्टमार्टम कराने के लिए लाश को बाइक पर 22 किलोमीटर तक ले जाना पड़ा। पाकिस्तान ने एक बार फिर भारत पर आरोप लगाते हुए कहा कि नियंत्रण रेखा भारत की ओर से बिना उकसावे की गोलीबारी की गई। साथ ही पाक का कहना है कि भारतीय जवानों की गोलीबारी में उनके 3 सैनिक मारे गए। बिहार के मोस्ट एलिजिबल बैचलर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से मिलने के लिए वैलेंटाइन डे पर लड़कियों की लंबी कतारें देखी गयी। बता दें लड़कियां वैलेंटाइन डे से पहले तेजस्वी यादव को गुलाब के फूल देना चाहती थी। तेजस्वी यादव ने किसी को निराश नहीं किया बल्कि सबके फूल लेकर उनके साथ सेल्फी भी ली। महाराजगंज में मधुमिला शुक्ला हत्याकांड में आजीवन सजा काट रहे पूर्व मंत्री व बाहुबली नेता अमर मणि के पुत्र और खुद सारा हत्याकांड के आरोपी अमर मणि ने नौतनवा विधानसभा क्षेत्र से नामांकन कर दिया। बता दें परोल पर जेल से छूटे अमर मणि त्रिपाठी ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पर्चा दाखिल किया है। संत कबीर नगर में एक प्राइवेट अस्पताल की एम्बुलेंस ट्रक में जा घुसी। इस हादसे में 8 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। साथ ही बताया जा रहा है कि एम्बुलेंस में सवार लोग एक मरीज को लेकर लखनऊ जा रहे थे। बिहार में SSC की इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का पेपर लीक हो जाने के मामले में बिहार कर्मचारी चयन आयोग के सचिव परमेश्वर राम को निलंबित कर दिया गया है। बता दें सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने उनके निलंबन का संकल्प जारी कर दिया। बजरंग दल ने वैलेंटाइन डे को लेकर प्रेमी जोड़ों को दी चेतावनी। ओडिशा के भुवनेश्वर में बजरंग दल के एक नेता ने कहा कि अगर प्रेमी जोड़े सार्वजनिक जगहों पर दिखाई दिए उनकी शादी करा दी जाएगी। BJP को राक्षस बताते बताते सपा मंत्री रामकरण आर्य की फिसली जुबान। कांग्रेस को कहा छोटा शैतान। साथ ही मंत्री ने कहा कि बड़े राक्षस को मारने के लिए छोटे छोटे शैतान को इकट्ठा किया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कहीं विकास नजर नहीं आता बल्कि गुंडा राज और अपराध ही दिखाई देता है। साथ ही चौहान ने कहा भाजपा सरकार बनने पर भाजपा शासित राज्यों की तरह UP भी विकास पथ पर दौड़ेगा। रियो ओलंपिक से पहले अस्थायी रूप से निलंबित इंद्रजीत सिंह का डोप मामला नाडा के अनुशासन पैनल को भेजा गया। बता दें इंद्रजीत सिंह को प्रतिबंधित दवाओं के लिए पॉजिटिव पाया गया है। बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार और हुमा कुरैशी की फिल्म जॉली LLB 2 बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है। फिल्म अभी तक 57.72 करोड़ रुपए का बिजनेस कर चुकी है। साल 2015 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बाहुबली के दूसरे पार्ट का इंतजार दर्शक बड़ी बेसब्री से कर रहे हैं। इस बात का खुलासा तो पहले ही हो चुका है कि सुपरस्टार शाहरुख खान बाहुबली 2 में नजर आने वाले हैं, लेकिन अब उनके किरदार का खुलासा भी हो चुका है। दरअसल शाहरुख खान बाहुबली 2 के लिए कैमियो शूट करने वाले हैं। आज के लिए बड़ी खबरों में इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए A1 News। नमस्कार।